हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं साल 2020 के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। ये हम 2 से 3 सेट में कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि भारत के प्रेसिडेंट कौन है। तो भारत के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद। ये हमारे भारत के 14th प्रेसिडेंट हैं, और इसके पहले ये हमारे हैं जो गवर्नर रह चुके हैं, 26th गवर्नर बिहार के, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह इन्होंने काम किया है 1994 से 2006 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो प्राइम मिनिस्टर हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं। ये हमारे हैं जो 14th प्राइम मिनिस्टर। ये नंबर याद रखिएगा, ये पूछा गया है। ये 14th प्राइम मिनिस्टर है और ये 15 अगस्त 2020 को ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बन चुके हैं इंडिया के। और ये पहले जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के, और इनका इलेक्शन एरिया है, हमारा वाराणसी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा वाइस प्रेसिडेंट कौन है। हमारा वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू। तो एम वेंकैया नायडू हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, अच्छा वाइस प्रेसिडेंट है जो किस आर्टिकल में बताया गया, तो आर्टिकल 63 में मेंशन है कि हमारा है जो वाइस प्रेसिडेंट है एक इंडिया का, वो है जो इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट वो है जो प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। जब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन होता है किसका, वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। और ये वाइस प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि कोई भी बिल है जो फाइनेंशियल बिल, मनी बिल है या नहीं है। अगर उसे लगेगा कि ये में बिल है जो फाइनेंशियल बिल है, तो वो क्या करेगा, वो स्पीकर जो होता है लोकसभा का, वो उसको है जो रिफ़र कर देता है। ये याद रखिए, सारी चीज़ें पूछी गई। प्रेजेंट टाइम में डिफेंस मिनिस्टर कौन है। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह है जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और वाजपेयी गवर्नमेंट में ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी हमारा है जो रह चुके हैं। इनका इलेक्शन एरिया क्या है, इनका इलेक्शन एरिया है हमारा लखनऊ यूपी। नेक्स्ट है हमारे होम मिनिस्टर। हमारे होम मिनिस्टर कौन है। तो हमारे अहम होम मिनिस्टर है श्री अमित शाह जी। इनका इलेक्शन एरिया क्या है, इनका इलेक्शन एरिया है हमारा गांधीनगर गुजरात, और ये लोकसभा के हमारे मेंबर हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं हमारे श्री नितिन जयराम गडकरी। तो नितिन जयराम गडकरी के पास हमारे रोड ट्रांसपोर्ट के अलावा और क्या है, इनके पास हमारा है जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई भी है, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइसेस। और इनका इलेक्शन एरिया क्या है, इनका इलेक्शन एरिया है नागपुर महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर हमारे श्री डीवी सदानंद गौड़ा, और इनका इलेक्शन एरिया है बेंगलोर नॉर्थ, और ये आते हैं कर्नाटका से। नेक्स्ट है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन हमारी जो मेंबर है राज्यसभा की, राज्यसभा अपर हाउस भी जिसे हम कहते हैं, और ये है जो कर्नाटका से है। नेक्स्ट हमारे मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कौन है। तो ये हमारे हैं रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जी हमारे हैं जो इसके अलावा है प्रेसिडेंट भी हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, और ये प्रेजेंट टाइम में हमारा है जो राज्यसभा के मेंबर हैं बिहार से। नेक्स्ट हमारे हैं मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर कौन है। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है नरेंद्र सिंह तोमर। ये हमारे हैं जो मेंबर है लोकसभा के, और ये हमारा इलेक्शन एरिया इनका कहाँ है, मुरैना एमपी। मेन यही याद रखना है कि इनका इलेक्शन एरिया क्या, ये जो सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये कौन है। तो ये हमारे हैं रविशंकर प्रसाद जी। ये भी हमारे लोकसभा के ही मेंबर हैं, और ये हमारे चुनकर आते हैं पटना साहिब बिहार से। अच्छा, लॉ एंड जस्टिस के अलावा इनके पास और क्या डिपार्टमेंट है। तो इनके पास है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ये डिपार्टमेंट भी ये होल्ड करते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग कौन है। मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग हमारी है हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल जो है हमारी हैं, ये लोकसभा की मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, और ये भटिंडा यूपी से हमारी है जो जीत कर आई हैं, और ये शिरोमणि अकाली दल को बिलोंग करती है। ये भी कह के पूछ लेता है कि कौन सा पार्टी को बिलोंग करते हैं, ये भी ध्यान में रखिए। फिर हमारे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट कौन है। तो ये हमारे थावर चंद गहलोत।
इनका इलेक्शन एरिया क्या है? इनका इलेक्शन एरिया है हमारा निर्वाचन क्षेत्र, ये हमारे राज्यसभा मेंबर है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से हमारा है जो चुन कर आते हैं अपर हाउस में। फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं इसलिए, ये हैं एस जयशंकर, पूरा नाम इनका हुआ सुब्रमण्यन जयशंकर। अच्छा, ये जो राज्यसभा के हमारे मेंबर है, राज्यसभा के मेंबर किस स्टेट को से रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमारे गुजरात को रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हमारे हैं रमेश पोखरियाल जी। रमेश पोखरियाल जी हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। प्रीवियसली इस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये याद रखिएगा। इसी का नाम बदल कर रख दिया गया है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये हमारा है जो मेंबर ऑफ राज्यसभा है, कहाँ से इलेक्ट होके आते हैं? ये हमारा इनका इलेक्शन एरिया है हरिद्वार, उत्तराखंड से चुन के ये आते हैं। नेक्स्ट हमारा मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं हमारे अर्जुन मुंडा जी। अभी हाल में ये भी करंट अफेयर में इनको भी डिस्कस किया था हमने। और ये हमारे हैं जो प्रीवियसली ये जो सीएम भी रह चुके हैं, कहाँ के सीएम से? ये हमारे झारखंड के सीएम का पोस्ट भी होल्ड कर चुके हैं, ये खूंटी झारखंड से हमारे हैं जो चुन के आए हैं, याद रखिएगा, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा जी। फिर मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हमारे स्मृति ईरानी जी हैं, और ये हमारे लोकसभा के मेंबर है, या अमेठी यूपी से हमारा है जो चुनकर आई है। मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अलावा इनके पास हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी है, ये भी याद रखिएगा, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल भी हमारी जो कौन है? स्मृति ईरानी जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है डॉक्टर हर्षवर्धन। इनका तो नाम आपको पता ही होगा कि अभी बहुत कोविड-19 के चलते इनका है जो बहुत हाईलाइटेड है, और ये हमारे जो चुन कर आते हैं चांदनी चौक दिल्ली से, ये याद रखिए, चांदनी चौक दिल्ली से ये इलेक्ट होके आते हैं। फिर हमारे मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हमारे प्रकाश जावड़ेकर, ये हमारा राज्यसभा के मेंबर है, और ये हमारा है जो मध्य प्रदेश से हमारा है जो चुनकर आते हैं, मध्य प्रदेश से इनको नॉमिनेट किया गया। फिर हमारे यहाँ मिनिस्टर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन है? तो मिनिस्टर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान है, याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है। और हमारा है जो ये राज्यसभा के मेंबर है, ये भी हमारे जो मध्य प्रदेश से ही नॉमिनेट होके आते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं कि मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ रेलवे से हैं पीयूष गोयल, मिनिस्टर ऑफ रेलवे हमारे पीयूष गोयल हैं, ये राज्यसभा के मेंबर हैं, ये महाराष्ट्र से हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अलावा इनके पास और क्या पोर्टफोलियो है? इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी है, ये याद रखें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। फिर हमारे हैं मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कौन है? मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हमारे हैं मुख्तार अब्बास नकवी, और ये हमारे हैं जो झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में। इलेक्शन एरिया याद रखिएगा, वो पूछा जाता है। मिनिस्टर ऑफ कोल हमारे कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ कोल हमारे हैं प्रहलाद जोशी, और ये हमारे हैं जो इनका इलेक्शन एरिया है धारवाड़ कर्नाटका। अच्छा, ये मिनिस्टर ऑफ कोल के मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अलावा ये एडिशनल पोर्टफोलियो क्या होल्ड करते हैं? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और माइंस, ये भी हमारा है जो होल्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये हमारे हैं महेंद्र नाथ पांडे, और ये हमारे जो चुन के आते हैं चंदौली यूपी से, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे हैं मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज, ये कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज हैं गिरिराज सिंह, ये काफ़ी मतलब ये भी हाईलाइटेड नेता ही रहते हैं, ये हमारे आते हैं लोकसभा के मेंबर है, और ये बेगूसराय बिहार से हमारे जो चुन के हैं आते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, आज के लिए बस इतना ही, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी जो रेस्ट अपॉइंटमेंट है और नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट सेट में हम डिस्कस करेंगे। और जो भी इस चैनल पे नए हैं आए हैं, प्लीज़ करके हमें सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।